छतरपुर जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले शुक्रवार को जिला अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। यह प्रदर्शन संघ अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहा है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल करने की बात कही गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दीपेश नायक ने बताया है कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में लगभग 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं। उक्त कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति बनाई गई जो आज तक लागू नहीं की गई है, जबकि अन्य विभागों में यह नीति लागू हो चुकी है। ये जो हड़ताल है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, काफ़ी लंबे समय से हम लोग अपनी मांगों को लेकर, नियमितीकरण को लेकर अपने सरकार तक और विभाग तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अभी जो पिछले 4-5 दिनों से गतिविधियों के माध्यम से हमने अपनी बात पहुंचाई है कि भाई 15 तारीख से हड़ताल करना थी, अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, मांगों को नहीं मानेंगे तो कल 15 दिसंबर 2022 में हम लोगों ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का यह निर्णय लिया है और जिला अस्पताल परिसर में हम लोगों ने ये जो है तंबू लगाकर पूरे छतरपुर जिले के जो 600 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं सभी लोगों का एक मत है और हम लोग सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, दो सूत्रीय मांगे हैं नियमितीकरण और 5 जून 2018 को जो नीति बनाई गई थी उसको अगर जब तक लागू नहीं करेगी तब तक हम लोग अपनी हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।